Mr. and Mrs. Robin Hood. Different. Yet. Namaskar. Good evening. Good evening. वो कुछ फेक पेज वाले हैं ना, वो हमारे वीडियोस को कॉपी करते हैं। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम अपने चेहरों के आगे थोड़ा वाटर मार्क्स लगा देते हैं, तो थोड़ा सा आगे हो जाओ, आपकी आंखें ऊपर आने दो बस। तो ये आईटी सेल के जो फेक पकौड़े हैं उनको थैंक यू बोलिए कि उनकी वजह से अब हमने ये भी करना सीख लिया है। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन आज का ये वीडियो डिफरेंट yet together, yet happy. Happy. Yet happy sounds very different. No? Yeah, it's not sounds the right. It's very limiting. Yeah. Different yet. Different yet what? Different yet, but complementary. Complementary to each other. समझाएं ये कॉन्सेप्ट लोगों को। चलो पहले मैं फोटो ही दिखाता हूँ। लो जी, उस दिन हमारा हो गया घर में ड्रामा। हर घर में होता है, हमारे घर में भी हो गया। अब ये है जी मिसेज रॉबिनहुड। ये इस तरह से खाना खाती हैं। इनकी जो दाल होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है, सब्जी राइट साइड पे होती है, और ये है जी मिस्टर रॉबिनहुड। अब आ रहे हैं, मिस्टर रॉबिनहुड की दाल राइट पे होती है और सब्जी लेफ्ट पे होती है, तो अलाइनमेंट जो है ना हमारे थोड़ी सी अलग है। तो उस दिन बड़ा ड्रामा क्यों हो गया कि मैंने कहा भाई ये पहली बार थोड़ी आप इस तरह से मेरे को खाना डाल के दे रहे हो, आपको तो पता होना चाहिए, इतनी देर हो गई है आप साथ में रहते हुए, यू नो मी लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, बट ये कैसे भूल गए आप? जो मेरी आदत है, आदत आपकी इस साइड वाली, इस साइड वाली हाँ। है तो मैंने उस हिसाब से दे दिया। एक तो उस दिन बहुत भूख भी लगी थी। अच्छा। कि जल्दी खाना परोसो हाँ। और दे दो। ठीक है हाँ। तो जल्दी जल्दी में ये क्या होता है कि यू टेंड टू से कि हाँ ठीक है भाई, खाना ही तो पेट में ही जाना है, तो किसी भी तरह अगर forward, let your eyes come above the watermark, yeah. किसी भी तरह अगर हम रखें तो क्या प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली खाना ही तो है, अल्टीमेटली पेट में ही तो जाना है। हाँ। लेकिन जिस तरह से एक इंसान की 40 सालों के लिए सेटिंग हुई हो, अब उसको उल्टी तरह से खाना डाल के दे दो तो उसको तो झटके लगने शुरू हो जाएंगे। आपकी ब्रेन की वायरिंग तो अलग ही है। अच्छा। सामने चीज पड़ती है तो दिखाई नहीं देती, ठीक जगह पे नहीं होती तो कैसे दिखाई दे। हाँ, इनकी ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं बट हाँ। वायरिंग वैसी है। अच्छा। जो गलत भी नहीं है, ठीक हाँ। भी नहीं है। ये क्या बीच का रास्ता है? ये तो ग्रे एरिया है, या आर हो या पार हो, I will tell you. ना ठीक है ना गलत है, ये कैसी बात हुई? आपका ये मानना है कि जैसे आपकी वायरिंग है या आपके little forward. Okay, good. आपकी जो ब्रेन वायरिंग है और आपको जैसे चीजें पसंद हैं उसके हिसाब से मुझे सीखना है नहीं, या ध्यान में रखना है। यू डोंट नीड टू चेंज योर वेज। हाँ, बट दैट इज वॉट बॉदर्स यू ना। इफ आई डोंट चेंज माई वेज, यू स्टिक टू योर वेज, आई स्टिक टू माइन, तो फिर ड्रामा क्यों? ड्रामा इसलिए कि बताइए। हाँ बता रहा हूँ, ड्रामा इसलिए कि ये एक इंसान एक्सपेक्ट करता है कि इतना तो पता ही है आपको, और इस बारे में पहली बार ही नहीं हुआ, ये बहुत बारी चर्चा हो चुकी है। करेक्ट। तो आपको सिर्फ प्लेट की एंगल चेंज करनी है। नहीं, प्लेट की एंगल नहीं चेंज करनी है, मुझे कटोरी इधर से उठा के उधर रखनी पड़ती है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो जब मेरे सामने ऐसी प्लेट आती ना जहाँ कटोरी उल्टी पड़ी होती है और सब्जी उधर होती है, मैं ना थोड़ा सा वो फ्रीज सा हो जाता हूं। आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे पता होना चाहिए, आपके मेरे भी एक्सपेक्टेशंस होंगे कि आपको भी पता चलना चाहिए कि हाँ ठीक है, इन थोड़ी चीजों में ऐसे वी आर डिफरेंट। जब मैं आपको सुबह चाय कॉफी बना के देता हूँ या कभी खाना बना के देता हूँ, एग्जैक्टली जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ही मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। तो फिर मेरी भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। लेकिन मेरी तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है नहीं कि मुझे वो। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, व्हेन शी इज वर्किंग इन द किचन,
सारी चीजें, 36 चीजें चिकन काउंटर कह रहा हूँ, किचन काउंटर पे होती है, और मैं जाता हूँ तो फिर वो कहीं और रख देती हैं चीजें, कहीं इधर उधर पड़ी होती हैं, मैं सारा किचन मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ, भैया यार ये चीज तो यहाँ होनी चाहिए थी। कभी कभी मतलब बिल्कुल सामने है वो चीज लेकिन नहीं नजर आती। हाँ, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ, 2-2 मिनट ढूंढता रहता हूँ, सामने होगी चीज पर अपनी जगह भी नहीं होगी। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि एज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हम अलग अलग हैं हमारी सोच में, जैसे कि हम चीजें रखते हैं। ओह यस, आई विल टॉक अबाउट। और एक बात है इनमें कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं या कहीं जाना पड़ता है, इनके मन में ना एक चेकलिस्ट जैसा होता है, और वो चेकलिस्ट उनको जोर से बोलना है, मतलब बोलना है, वर्बली बोलना है, जैसे कि लाइट बंद, फैन बंद, विंडो क्लोज, चाबी कहाँ है, पंखा, खिड़कियां, चाबी, छतरी, आजकल छतरी भी हो गई है ना, मानसून आने, छतरी डाल ली, जैकेट डाल ली, पानी रख लिया, ये रख लिया, टाटा 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 टा। तो एक कंप्यूटर के जैसे जो चेकलिस्ट होती है ना, वैसे वो चेकलिस्ट बनाते हैं। मेरे मन में भी चेकलिस्ट होती है, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज्ड में नहीं होती, लेकिन मैं मेरे मन में करती हूँ कि हाँ ठीक है ये ऑफ है, ये लास्ट मिनट चेक्स जो करने हैं। But you're not as disciplined about your checklist as I am. Maybe, maybe not. I feel that way. You do, but... You have a tendency to forget things a lot more often than I do. Than you do. इसमें तो कोई शक नहीं है। I agree. But then that's where you come in, ना? आप हो, आप सोच रहे हो, तो करो। तो ये मुझे छेड़ती हैं, कहती हैं, you are Mr. Checklist. और मैं इनको छेड़ता हूँ, कहता हूँ, you are Miss Lucy Goosey. जैसे कि एफिशिएंसी मैं किचन में रखती हूँ, आप रख सकते हो? नहीं, कुकिंग के हिसाब से। ऑमलेट तो बना देते हो, दाल भी बना देते हो, पता मैगी एंड चीज एंड चिप्स एंड ग्रिल्ड सैंडविचेस भी बना देता हूँ। दैट इज नॉट रियल कुकिंग। जो शेक्स वेक्स होते हैं वो सारी मेरी ड्यूटी है। दैट इज नॉट रियल। खुश होके करता हूँ मैं। मोटा मुद्दा दर्शकों ये है इस वीडियो में कि हर घर में, हर कपल में अलग अलग डिफरेंट, अलग अलग उनकी एक स्टाइल होती है, उनकी थॉट प्रोसेस होती है, और दूसरे इंसान का थॉट प्रोसेस सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप जब एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को, स्टाइल को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, जब एडजस्ट करना शुरू करते हो उसके साथ, so for next example, next time if she gives me a plate of food where the दाल कटोरी is differently, you know, वो दूसरी गलत साइड रखी होगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ कटोरी उठा के उधर कर लूँगा, लेकिन मैं एक बार वो करूँगा, मैं इनको दिखा के हाँ सामने से टैंट कि भूल गई फिर से। सो ऐसे धीरे 5 बार हो जाएगा, एंड द नेक्स्ट टाइम ऑन द 6th time लेट्स से इट विल बी माई एक्सपेक्टेशन दैट व्हेनेवर यू आर पुटिंग अ प्लेट ऑफ फूड फॉर मी यू विल ऑटोमेटिकली पुट इट इन द वे दैट आई लाइक इट बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू गिव फूड टू समबडी एंड इरिटेट द पर्सन राइट सेम वे देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट किचन में जो ये जहां भी जगह मिले वहां रख देती हैं तो अगर मुझे चीज नहीं मिलती मैं तो बड़ा सिंपल तरीका मेरा मैं हाथ खड़े कर लेता भैया मेरी चीज नहीं मिल रही मैं नहीं खाना बना सकता सो देन शी कम्स शी लुक्स फॉर इट So she knows that if the thing is not in the right place. और एक बात बतानी है complete. Ladies first. ये ना चीजें संभाल के रखते हैं फिर याद नहीं रहता है कि कहाँ पे है. तो मैंने उसका तरीका ढूंढ लिया मैं जब भी कोई चीज संभाल के रखता हूँ ना मैं सबसे पहले इनको बताता हूँ कि भाई ये चीज मैं संभाल के रख रहा हूँ मैं कभी कभी ना चुपचाप बैठ के देख के बस मैं हंसती हूँ कि हाँ भाई आपने तो संभाल के रखा था ठीक है भाई मैंने भी अपनी भूलने की आदत तो आपको भी है हाँ वो जब ज्यादा ही संभाल के रख देता है ना कोई बंदा चीज कोई बंदा क्यों कहो मैं रख देता हूँ तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता तो उसका भी तरीका ढूंढ लिया मैं बड़ी संभाल के रख रहा हूँ ये चीज और यहाँ पे रख रहा हूँ सोशी रिमेंबर्स तो हाँ यही बात है यस कि जो कुछ भी डिफरेंसेस हैं उनको हम थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके प्यार बढ़ा सकते हैं इट्स नॉट डिफिकल्ट टू एडजस्ट एंड लिव इन पीस विद ईच अदर
थोड़ी चीजें आपके पार्टनर को एब्सोल्युटली पसंद नहीं है, देन इट इज ऑन यू ऑल्सो टू मेक दोज चेंजेस विद इन योर सेल्फ. एक्सपेक्टेशंस रखना, पीपल से डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस. इट्स नॉट पॉसिबल. एक्सपेक्टेशंस होती हैं और होनी चाहिए मेरे हिसाब से. आप इंसान हो और अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं हो देन हाउ विल यू इम्प्रूव योरसेल्फ. राइट. जो एक रिलेशनशिप होती है डजंट मीन बिकॉज यू आर मैरिड इट इज डेड. यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ग्रो. ट्रू. एंड हाउ डू यू कीप अ रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग? यू लर्न फ्रॉम ईच अदर. Absolutely right. I think your top is looking very pretty and you're glowing today and thank your cheeks you are glowing much. As well. Thank you very much. Live video पे compliment जा रहा है आपको. अच्छा जी, thank you. चलिए दर्शकों. वैसे तो live video पे compliment देते हैं, reality में भी देते हैं. Tuesdays and Thursdays रात को 9:09 पे Mr. and Mrs. RobinHood live, जहां इस किस्म की relationships की, love की, life की चर्चाएं हम लोग करते हैं. Or we try and give you content which is real, which is uncut, which you can relate to in your everyday life. जिससे ऐसा content जिससे आप असल ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के साथ relate कर सकें. So. और हाँ, अगर आप कोई topic share करना चाहते हो या हमारे साथ live आना चाहते हो, तो please comment कीजिए और website पर. www.ampress.in पे you can comment, you can request us to raise a topic. किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हो. करेक्ट. एंड इफ यू वांट टू कम लाइव विद अस ऑन अ वीडियो लाइक दिस, हम दो और आप दो, तो यू कैन अगेन कनेक्ट विद अस. बी अवेयर दैट ऑल आवर वीडियोस आर रादर मोस्ट ऑफ आवर वीडियोस नाउ आर होस्टेड ऑन यूट्यूब चैनल एम्प्रेस टीवी, लेकिन कभी कभी हम यहां भी आ जाते हैं. चले, भूख लग रही है मुझे भी. चलो, ओके, बाय. गुड नाइट, हैव अ लवली नाइट.